दुमका में दो परिवारों के बीच हुआ विवाद और मारपीट दुमका पुलिस के लिए सरदर्द बन गया है। हम मुफस्सिल थाना में हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दो मोहानी में दो परिवार, सईद अंसारी के भाई का शादी जिनके परिवार में हुआ, उनके परिवार से विवाद इस कदर बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। सईद अंसारी और उनके बूढ़े पिता के साथ ससुराल पक्ष वाले ने जमकर मारपीट की और इस मारपीट की शिकायत जब वो थाना में करने गए तो मामला दर्ज नहीं हो सका। उसके बाद सईद अंसारी दुमका के DIG के पास गुहार लेके गए, उसके बाद मामला दर्ज हुआ। गिरफ्तारी की मांग को लेकर के सईद अंसारी और उसके परिजन दुमका SP कार्यालय के बाहर धरना पर बैठ गए। ये धरना रात भर ये लोग बैठे रहे। पुलिस ने इनके आरोप जिन पे आरोप लगाए थे उसमें से एक को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन इनका कहना था कि गिरफ्तारी जो है सभी आरोपियों का हो जिनका इन्होंने नाम दिया है। मुफस्सिल थाना जो दोमहानी की घटना थी, सईद अंसारी के परिवार SP कॉलेज का अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे थे। इनका मांग था कि मनार उद्दीन मियाँ और उनके परिजनों ने जो मारपीट किया है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसी बीच मनारुद्दीन मियाँ के परिजनों ने भी सईद अंसारी पर गिरफ्तारी के तहत मारपीट पर का मामला दर्ज कराया और दुमका पुलिस मुफस्सिल थाना की जो पुलिस है इन्हें धरना स्थल से उठाने का प्रयास कर रहे थे। SDPO नूर मुस्तफ़ा रात से ही इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपने जिन पर आरोप लगाया जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सभी लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में आज सुबह दुमका पुलिस जबरन इन्हें SP कार्यालय के बाहर जहाँ ये धरना पर बैठे थे वहाँ से उठा कर ले आई। महिला कांस्टेबल का मदद लिया गया, महिला लोग जो धरना पर बैठे थे उन्हें भी जबरन उठाया गया और जो शहीद अंसारी हैं उन्हें तत्काल पुलिस हिरासत में लेकर मुफस्सिल थाना आ गई है। मुफस्सिल थाना के लिए ये जो मामला है सरदर्द से कम नहीं है। देखना दिलचस्प होगा इस मामले को पुलिस किस तरह से निपटाती है। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।